कितना अपमानित किया गया उनको, क्या क्या कहकर के नहीं बुलाया गया उनको। और ये जो तीनों कानून है वो केवल इतना चाहते हैं, जब ये सरकार कह रही हम किसानों के लिए कानून बना करके लाएं, अगर किसान उन कानून को नहीं स्वीकार कर रही है तो सरकार क्यों नहीं कानूनों को वापस लेती है? जिनके लिए ये कानून बना है, जिनके लिए कानून बना है वो कानून नहीं चाहते हैं, तो सरकार को आखिरकार कौन रोक रहा है? और क्या ये आरोप ठीक नहीं है कि कॉरपोरेट घराने के लिए आपने कारपेट बिछा करके इन कानूनों को लाने का काम किया आपने? आप जनता से चुनकर के आते हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लेकिन लगता है यहां पर है सदन में बैठ करके आप धन प्रतिनिधि बनकर के आए हैं। और क्या कहते हैं आप जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए? आप क्या कहते हैं जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से, वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला, न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बन करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए, न केवल अफ्रीका दुनिया बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं? मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं है? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप, क्या आप चंदा जीवी नहीं है? और फिर आप कहते हो कि मंडी मॉडर्नाइज करेंगे, मंडी मॉडर्नाइज करेंगे, मंडी मॉडर्नाइज, आप बोलते रहिए। मैं सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैंने पढ़ा कि हम मंडी को मॉडर्नाइज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, देश में सबसे बेहतरीन अगर एक्सप्रेसवे कहीं बना तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने बनाया। और मैंने हमेशा कहा यह शहरों को जोड़ने के साथ साथ गांव को जोड़ता है, जहां शहरों की अर्थव्यवस्था को बेहतर करेगा वहीं गांव की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बनाएगा। इसलिए उसके आसपास मैंने मंडियां बनाई, मैंने आलू की मंडी बनाई कन्नौज फरक्काबाद कानपुर देहात के आसपास के लोगों के लिए, एक मैनपुरी इटावा और आसपास के लोगों के लिए अनाज की मंडी बनाई। अरे बाबा रामदेव जी से बहुत योगा सीखते हैं ये लोग, उन्हें भी मैंने 500 एकड़ जमीन दी एक मंडी बनाने के लिए, आम की मंडी बनाई। मैं इनसे जानना चाहता हूं लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए थे, वो पैसा कहां चला गया? जितनी ईंट लगाई थी समाजवादी सरकार में उससे आगे मंडियां नहीं बढ़ पाई, वहीं का वहीं काम रुका हुआ है।